हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की पावर सप्लाई मतलब SMPS को टेस्ट करना सिखाऊंगा, जिससे आप घर पे ही पता लगा सकते हैं कि PC अगर आपको ऑन नहीं हो रहा तो इसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है या SMPS की। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिएगा, जिसमें आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चेक करते हैं कि SMPS। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि एक पावर सप्लाई मतलब कंप्यूटर का जो SMPS होता है उसे चेक कैसे करते हैं कि ये वर्किंग में है भी या नहीं। तो देर ना करते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं इसका प्रोसेस। सबसे पहले आपको एक वर्क ये करना पड़ेगा, जो भी हमारे कनेक्टर्स SMPS के बाहर आए हुए हैं इनके सारे वायर्स को चेक कर लेंगे ठीक से कि कोई कहीं से कटा नहीं है, या अंदर की कोई पिन है जो शॉर्ट हो गई हो या जल गई हो या अंदर दब गई हो, जैसे मुड़ जाती है जो कनेक्ट PC में ठीक से ना हो पा रही हो। इस तरीके से हम लोग सारे कनेक्टर्स को चेक कर लेंगे कि कहीं पे किसी कनेक्टर में तो कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद वायरिंग को चेक कर लेंगे यहाँ पर से ठीक से, और फिर बैक साइड का जो कनेक्टर है वो भी देख लेंगे ठीक से, कोई लूजिंग तो नहीं है। सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है हम लोग पावर इनपुट करके इसे डायरेक्ट शॉर्ट करके देखते हैं, मतलब ऑन करके देखेंगे शॉर्ट तरीके से विदाउट PC। अब इस तरीके से मैंने पावर लगा दिया है। यहाँ पर हम लोगों को इस कनेक्टर में इस तरीके से एक छोटा सा वायर ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक इन दोनों को जम्पर से आपस में कनेक्ट करेंगे। तो जो मैंने ग्रीन में लगा रहा हूँ मैं, अब इसके बाद मैं लगाऊंगा ब्लैक में, जिससे हमारा अभी SMPS ऑन हो जाएगा। अब मैं बोर्ड से इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी ये बंद हो गया। मैं यहाँ पर से आपको एक फिर से टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। ग्रीन और ब्लैक को ही हमें कनेक्ट करना है आपस में, और हमारा SMPS वर्किंग में अगर होगा तो इसका फैन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आप भी घर पे आराम से SMPS चेक कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। और इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये SMPS जो करंट आउटपुट करता है वो सारा DC वोल्ट होता है, जिससे हमें कोई करंट लगने का डर नहीं रहता है। आप अगर फिर भी सेफ्टी रखना चाह रहे हैं तो आप पहले वायर लगा लीजिए, उसके बाद आप इसमें पावर को इनपुट दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।